इस 2 मिनट के वीडियो में हम बाइक को रवाना करने का तरीका सीखेंगे। बहुत आसान है। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बटन को ऑन करना है। इस साइड ये आपका ऑन हो जाएगा। अब हम इसके गियर पैटर्न को समझ लेते हैं। तो इसका एक गियर आपका आगे लगता है और 4 गियर पीछे की ओर लगते हैं। गियर लगाने का तरीका देख लीजिए दोस्तों। आगे सीधा दबाते ही 1 नंबर और पंजा नीचे डालकर पीछे खींचने से आपके बाकी गियर लगेंगे। तो हमें बाइक हमेशा 1 नंबर गियर में ही रवाना करना है। तो सर्वप्रथम अभी हम बाइक को न्यूट्रल कर देंगे। बाइक न्यूट्रल हो तो हमारा यहाँ पर हरी बत्ती हो जाएगा। अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये बटन ऑन है और सेलफ दबाना है। बाइक स्टार्ट हो गया है। अब बाइक का गियर लगाने से पहले हम अपना क्लच दबाएंगे। अब देखिए, एक नंबर गियर लगा दो। अब हम क्लच का फंक्शन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ तक आपका क्लच फ्री रहता है। कितना ही फास्ट ले आओ, कुछ रेस्पॉन्स नहीं हो रहा और बाइक हमारी गियर में, आप देख सकते हैं। ये लाइट बंद हो गया, जो न्यूट्रल का लाइट है। अब देखिए, एक पॉइंट होता है इसमें, यह पॉइंट है। यहाँ पर आपका बाइक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो क्या करना है, अपने क्लच को यहाँ लाकर रोक देना है और फिर हल्का सा क्लच को और आगे जाने देना है और उस समय थोड़ा सा रेस बढ़ाना है और फिर बाइक को पूरी तरीके से रवाना होने का वेट करना है। जैसे बाइक पूरी तरीके से रवाना होगी तो हम अपना क्लच पूरा छोड़ देंगे। जैसे अभी हम इनके साथ इनको सिखाते हैं। क्लच पकड़ो, पकड़ो और क्लच को इस पॉइंट पर ले आओ और हल्का सा रेस बढ़ाओ और अब क्लच को पकड़ के रखना है। जैसे बाइक पूरी रवाना होगी तो क्लच पूरा छोड़ दो, क्लच पूरा छोड़ दो। हाँ, तो इस तरीके से हम अपना बाइक को रवाना कर पा रहे हैं।